हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर के खीर की रेसिपी। गाजर की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। गाजर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट खीर हमारे घर पर कैसे बनेगी, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आप इसे व्रत में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप गाजर व्रत में खाते हैं तो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पर लिया है फुल क्रीम मिल्क 1/2 लीटर, साथ ही मैंने यहाँ पर 2 गाजर ली है जिसे कट कर लिया है, 1 TBSP देशी घी लिया है, कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, केसर इलायची का सिरप लिया है 1 TBSP और 1 कप ली है शुगर। तो फ्रेंड्स, ये वाली गाजर जो हमें पूरा साल इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, मैंने उसी गाजर से खीर बनाई है। तो सबसे पहले हम गाजर को कुक करेंगे। तो मैंने कुकर के अंदर इसको रख दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसकी सिर्फ 2 सीटी हम ले लेंगे। 2 सीटी में ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी। तो हमारी सीटी हो चुकी है, ठंडा हो चुका है कुकर। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमें इसको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ये मैश हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम इसको एक पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और सेक लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से घी में भुन जाएगी तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये गाजर फ्रेंड्स हमें होल ईयर इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। जब भी गाजर खाने का मन हो आप इस तरीके की खीर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी जो गाजर है वो काफ़ी हद तक सिक चुकी है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर टोन मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम बीच बीच में से चलाएंगे, एक जैसा चलाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसको एक बार थोड़ा सा हिला लेते हैं। बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है क्योंकि गाजर का कलर ही ऑरेंज है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क मेड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं किया है, आप चाहें तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है केसर इलायची का सिरप। इसके बाद हम इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप किसी ओकेज़न पर, फेस्टिवल पे या आप व्रत में अगर पसंद करते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो खीर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी गाढ़ी, कितनी परफेक्ट हमारी खीर बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी हमारी खीर तैयार हुई है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस खीर को चाहे तो ठंडी इंजॉय कीजिए, आप इसे फ्रिज में सेट करके इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप गर्म में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको आपको वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जब गाजर सीज़न में आएंगे हम तभी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप साल में कभी भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। बहुत ही अच्छी ये दिख रही है, आप इसे ज़रूर बना के देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।